तो गाइज ये देखो गाइज, हम लोग फाइनली मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं और आप भी खेल सकते हो माइनक्राफ्ट अपने दोस्तों के साथ में। आप इसे एंजॉय कर सकते हो। क्या बोलती पब्लिक मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं हूँ नील और आप देख रहे हो हमारे चैनल गेमिंग गार्सी नील। और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन मल्टीप्लेयर खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो वीडियो की तरफ बढ़ते है। तो ये हमने ओपन कर लिया है माइनक्राफ्ट और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मल्टीप्लेयर खेलने के लिए हमें सबसे पहले माइनक्राफ्ट में साइन इन करना होगा। लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक साइन इन का बटन दिख रहा होगा, तो उसे दबा दो। देन आप लोग ये साइन इन वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। देन ये नीचे का साइन इन बटन दबाओ, ऐसा कुछ आपके सामने आएगा। और आपको नीचे का क्रिएट वन वाला बटन दबाना है क्योंकि हमें नया अकाउंट बनाना है। देन यहाँ पर आपको आपका ईमेल डाल देना है। और अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस वाले बटन को दबाओगे तो आपको एक नई ईमेल आईडी मिल जाएगी जिससे आप साइन इन कर सकते हो, या फिर आप आपके फोन नंबर से भी साइन इन कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक नई ईमेल आईडी बना लेता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अपनी कंट्री सिलेक्ट करो, डे और मंथ में आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो असली होना चाहिए। एक बात आप याद रखो कि अगर आप 18 साल के नीचे के हो तब भी आप यहाँ पर ईयर 18 साल के ऊपर का ही डालो। मिनिमम आपको 2003 ईयर डालना है। 2 सेकंड के लिए आपका गेम फिर से ओपन होगा, लेकिन आप इसके बाद एक और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको आपका गेमर टैग और आपका प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करना है। गेमर टैग आपके गेम का यूजर नेम होता है, तो मैं फटाक से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ये लेट्स गो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद एक और पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको लेट्स गो दबाना है। देन आपका गेम खुल जाएगा एंड देन आपका अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जिसके भी साथ खेलना है उसको भी साइन इन करने बोल दो। देन आपको आपके दोस्तों को ऐड फ्रेंड कर लेना है। ऐड फ्रेंड करने के लिए प्ले वाले बटन को दबाइए। देन फ्रेंड्स वाले सेक्शन में जाकर आपके दोस्त का गेमर टैग यहाँ पर एंटर कर दो एंड यहाँ पर ऐड फ्रेंड वाला बटन दबाओ। देन आपके फ्रेंड को बोलो कि कोई भी सर्वाइवल या फिर क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिएट कर दे। एंड देन वो उस वर्ल्ड में जाने के बाद में आपको फ्रेंड्स वाले सेक्शन में ऐसा दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप उसके वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाओगे। एंड देन बस और क्या चाहिए, आप आपके दोस्त के साथ आसानी से खेल सकते हो और माइनक्राफ्ट एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक वर्ल्ड में बस 3 से 4 ही लोग खेले, वरना आपका गेम बहुत ज्यादा लैग करेगा। और अगर ज्यादा लोग है तो आप एक SMP बना सकते हो। हाँ, मैं वही हीरोब्राइन SMP जैसी SMP की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि SMP कैसे बनाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। एंड अब तो मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है वीडियो में आगे दिखाने के लिए। तो अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यो बाय बाय।